हैं, बात चल रही है मेरी और नट्टू काका की, बहुत मीटिंग हो रही है अभी, एक आगे आप देखेंगे तो उसमें शायद सेठ जी हमारी पगार बढ़ा भी देंगे। अच्छा है। अच्छा दूसरा नहीं, मतलब आप लोगों ने बाघा की ऐसे दुखती नस पे हाथ दबा दिया बावरी जी को याद दिला के, तो परसोत्तम भाई आप इतना अच्छा सत्कार्य कर रहे हैं तो मेरे लिए भी थोड़ा भला कर दीजिए, मुझे और बावरी जी को स्पॉन्सर कर दीजिए, तो मैं और बावरी जी यहाँ जाम का मैके ही सेटल हो जाए। गाय का दूध निकालेंगे, गांव में सेवा करेंगे, क्या है? मैं और बावरी जी दोनों जहाँ रहेंगे हमारी दुनिया वही सेट है। बावरी जी से शादी के लिए मैं आसिफ भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी शादी करवा दे, लेकिन हनीमून के लिए आपको सासन में आना पड़ेगा। ठीक है, जैसी जिसकी सोच। नहीं, आपकी सोच क्या है? अब सास अटला सावज में एक वधारे बीजो सो बराबर है। अच्छा अभी एक सवाल और, आप लोग को भी सवाल आता है ना कि दया भाभी क्यों नहीं आ रही है, दया भाभी क्यों नहीं आ रही है? आशु भाई, आसिफ भाई आपके भी बहुत अच्छे मित्र है, जैसे सेठ जी के परम मित्र मेहता साहब है, वैसे आसिफ भाई आपके परम मित्र हैं। तो इसका जवाब तो एक ही आदमी दे सकता है कि मेरी सेठानी जी कब आएगी, और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेठानी जी बहुत जल्द गोकुलधाम सोसाइटी में आ रही है। सेठानी जी आएगी तो साथ में सेठानी जी को बोलना कि बावरी को लेके एक बार जाम का आ जाए। पक्का पक्का, ये तो तय रहा कि अगले कार्यक्रम में बाघा अकेला नहीं होगा, बाघा के साथ बावरी जी भी होगी और शायद नट्टू काका भी होंगे। वैसे आशु भाई सेठ जी आज हमारे साथ यहाँ आने वाले थे। अरे हाँ, मैं एक मिनट, मैं सुबह मैं पूछना भूल गया एयरपोर्ट पे, सेठ जी का तय हुआ था कि सेठ जी बोले कि आशु भाई तन्मय भाई हम आ रहे हैं, तो सुबह क्यों नहीं आए वो? नहीं, वो हमारे साथ आने वाले थे लेकिन बीच में बबीता जी मिल गई तो वहीं रुक गए। पता नहीं रोज सुबह सेठ जी क्या करते हैं, सूर्य नारायण को जल चढ़ाते हैं और ऊर्जा बाजू में देख के लेते हैं। आपको भी पता होगा ना, बस तो ऐसे ही है हमारे प्यारे सेठ जी। प्यारे सेठ जी, अच्छा एक बात बच्चे कह दो, हमारा परम दिवसे तन्मय भाई और सेठ जी दिलीप भाई बातों करता था, एवरी मोमेंट इज डिसाइडेड, દરેક ક્ષણ યુનિવર્સ માં નિર્મિત થયેલી હોય છે, અત્યારે હું અહીં આમ ઉભો છું, તન્મયભાઈ અહીંયા ઉભા છે, પરસોત્તમભાઈ અહીંયા ઉભા છે, દિવ્યકાંત ત્યાં છે, દેવાંશુ એ મળવાનો તે મને ખબર નહોતી, તો એવી રીતે મને મારા એક ફ્રેન્ડ છે દેવાંશુના, મારા બોસ હતા હસમુખ ભારોટ, અભિયાનમાં અમે લોકો એમના હાથ નીચે કામ કરતા, એક્ઝિક્યુટિવ એડિટર હતા, તો એમણે કીધું કે દિલીપ જોશી અહીંયા છે ન્યૂ જર્સી, હું અમેરિકા હતો, તો દિલીપભાઈને મેં કોલ કર્યો, તો મેં કીધું હું ન્યૂ જર્સી છું, મને કે હું ગઈકાલે લોસ એન્જલસ મારા સાડાને આવ્યો, એટલે દરેક ક્ષણો નિર્મિત હોય છે કે મળવાની, તો અત્યારે હમ લોગ વાપસ ઇન પે આગે ચલતે કે બબીતાજી મિલ ગયા, તો બબીતાજી સે દયા ભાભી કોઈ દયા ભાભી ઇતને અચ્છી હૈ એસા નહીં હૈ? નહીં નહીં, અચ્છી તો હૈ, લેકિન ક્યા હૈ ના આશુભાઈ, પુરુષ પ્રકૃતિ હૈ। जामका में आते ही मैंने कितने सारे जेठालाल देख लिए और उससे भी ज्यादा बबीता जी देख ली। यहाँ जामका की सबसे बेस्ट बात यह है कि यहाँ कोई अय्यर भाई नहीं है। यहाँ से बराबर। सच में आज ऐसे लग रहा है जैसे हम जामका में नहीं, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में ही बैठे हैं। थैंक यू, बस थोड़े बचा के रखिए, मैं और बावरी जी आएंगे तो बहुत काम आएगा। नहीं, मतलब यहाँ से आपने जो बोला कि बहुत जेठालाल देखे, तन्मय भाई यहाँ से गाड़ी अपनी वहाँ है और यहाँ से निकलने का रास्ता है। लेकिन
लेकिन ये बहन और बेटियां हैं वो बचा लगी हमको। नहीं है ना, सब बहन बेटियां सब अपने प्रिय बागा भाई को और आशु भाई को बचा ही लेंगे, बाकी तो परसोत्तम भाई है ही, बराबर है ना। लेकिन मुझे एक दो सवाल और है, पूछिए। मुझे मालूम है ये आज इनका व्रत है, एक बार खाना खाते तो आपको भी भूख लगी होगी, हम लोग चलाए ना थोड़ी देर, मजा आता है ना। तो एक सवाल मुझे ये उठता था कि बावरी जी दुकान में आती है तो सेठ जी को प्रॉब्लम क्या है?